दोस्तों नमस्कार। आज के जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर है वो आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें अपने वेटेज को अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रखा है। इन दिनों 3-4 परीक्षाओं की बड़ी चर्चा है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो हॉस्टल वार्डन, फिर टीचरशिप की एक वैकेंसी आई है तीनों ग्रेड में, और उसके बाद एक वैकेंसी है लेबर इंस्पेक्टर की। इसके अलावा भी कुछ और वैकेंसीज हैं जो लगातार अभी व्यापम और CGPSC के थ्रू कंडक्ट होने वाली हैं। आने वाली कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें पटवारी है, अमीन है, ऐसी भी कुछ परीक्षाएं हैं जो होने वाली हैं, जिनके विज्ञापन आने वाले दिनों में आएंगे ऐसी संभावना है। तो इन सारे विज्ञापन पर अगर नज़र डालें या सारी भर्तियों पर अगर नज़र डालें तो उसमें जो कंप्यूटर का पार्ट है वो अहम हो गया है। मैंने सिलेबस देखा है तो किसी एग्ज़ाम में वो 10 नंबर का है, किसी में 20 नंबर का है, किसी में 15 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के आने एवरेज लेते हैं तो 10 नंबर का तो कम से कम ये मान के चलें कि हमको कंप्यूटर से निकल सकता है अगर हम ढंग से तैयारी उसकी करते हैं तो। और कंप्यूटर की तैयारी की जब मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि आप जब तैयारी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी नहीं बनना कहने का मतलब मेरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूरा कंप्यूटर का कोर्स करने बैठ जाएं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। कोई C++ करने लग गया, कोई जावा करने लग गया, कोई टेली करने लग गया तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये वन डे एग्ज़ाम्स हैं, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना सिलेबस है। सिलेबस से बाहर जा कर के आप बहुत कुछ पढ़ेंगे तो कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलने वाला है। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। आप पुराने पेपर्स को देख लीजिए, स्टडी कर लें तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो इसलिए आप अपने फोकस को वहीं रखें जहाँ पर आपका टारगेट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। बेसिक क्वेश्चन ये है कि CPU का क्या अर्थ है। CPU आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा अगर आपने कंप्यूटर पे काम किया है या कंप्यूटर के बारे में ज़रा भी कुछ पढ़ रखा है तो CPU वर्ड को बार बार सुना होगा। इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका फुल फॉर्म है, एक तरह से आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट और कंट्रोल प्रोग्राम यूजर्स। तो इसका बहुत सिंपल सा जो आंसर है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। थोड़ी सी तकनीकी भाषा होती है, इसलिए भाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें और ऐसे क्वेश्चंस में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन को पढ़ लें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। चार ऑप्शन है, कुंजी पटल, मॉडम, CPU और प्रिंटर। इसका आंसर है मॉडम। टेलीफोन लाइनों के द्वारा कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं System 1 से System 2 के बीच, तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं वो कहलाते हैं मॉडम। ये एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है, समझिए आप। ये भी मैं साथ में जोड़ देता हूँ क्योंकि कई बार इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है के नाम पर भी पूछा जाता है। तो ये जो मॉडम है वो एक तरह से हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म के रूप में एब्रीविएशन समझें तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये इसका आप चाहें तो विस्तार समझ सकते हैं मॉडम का। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का एक तरह से वो शॉर्ट फॉर्म जैसा कुछ हम यूज करते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कुल मिला के बात ये है। चार ऑप्शन है, रैम, चिप, डाटा इनपुट, CPU, सेकेंडरी स्टोरेज। इन चार में से कौन सा आपका सही आंसर है ये आपको टिक करना है। कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही आंसर CPU होता है।
सीपीयू को क्यों ब्रेन कहते हैं हम लोग? क्योंकि सारा कुछ जो है वो इनपुट जो है वो यहीं से जाता है, इनपुट्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहीं से होता है, इसलिए इसको हम ब्रेन कहते हैं। सारा इनपुट इसी में है, यहीं से वो हर जगह भेजा जाता है। तो जिस तरह से हमारा ब्रेन है, ब्रेन सारी चीज़ों को ट्रांसप्लांट करता है, उसी तरह से ये भी ट्रांसफ़र करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ जहाँ जो जो होता है। तो इस लिहाज से हम सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो उसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, रैम, RAM, ROM, CPU, CD-ROM। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ROM, ROM। इसका अगर फुल फॉर्म करना चाहें तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। कई बार ये शब्द विस्तार में भी आता है, तो रोम का फुल फॉर्म भी आप जान लें, रीड ओनली मेमोरी, और इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? क्रोमियम से, सिलिकॉन से, शीशा से, या फिर कॉपर से? आपको ये चार में से सही ऑप्शन टिक करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। आईसी चिप जो होते हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर से, हिंदी में इसे अर्धचालक कहा जाता है। और सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आता है ये सिलिकॉन, और इसका जो आंसर बनेगा वो तो सिलिकॉन बनेगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और आप समझ लें, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लें। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसी चिप्स कहा जाता है इसी को। तो ये प्रश्न के साथ मैं एक अलाइट क्वेश्चन में साथ में बनाते चल रहा हूँ, ताकि आपको एक प्रश्न के साथ उससे जुड़े और जो तथ्य हैं वो भी जानने को मिले। तो यहाँ पर तीन चार चीज़ें इस एक क्वेश्चन से आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। एक तो आईसी का फुल फॉर्म आपको मिल जा रहा है, आईसी चिप का फुल फॉर्म मिल जा रहा है, किससे बनता है उसमें चार ऑप्शन में सिलिकॉन आपको मिल जा रहा है, साथ में ये भी पता चल रहा है कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर से इनको बनाया जाता है। तो ये तीन चार इन्फॉर्मेशन आप एक साथ नोट कर लें। ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 MB आपने बार बार यूज़ किया होगा अपने डेली लाइफ में, जो कंप्यूटर और मोबाइल चलाते हैं उनको ये वर्ड बहुत कॉमन लगा होगा। तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है। तो 1024 बाइट जो होता है वो होता है 1 KB के बराबर, और 1024 किलोबाइट जो होता है वो होता है 1 MB के बराबर। ये कन्वर्जन यूनिट है। 1024 बाइट जो है वो 1 KB के बराबर होगा, और 1024 KB जो है वो 1 MB के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 1 MB को, तो कितने बाइट हो गए? 1024 गुणित 1024 बाइट हो गए। कुल मिला के गुणा करने से ये बनता है 1048576। या नहीं तो आप इस उपलब्ध उत्तरों में से खोजेंगे तो 4 और 4 × 6, 4 × 4 = 16 होता है, यूनिट में 6 केवल इसी में दिख रहा है। टाइम अगर सेविंग करना हो तो आपका ये उत्तर आप बिना देखे टिक लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका होगा अगर आपको एग्जैक्ट आंसर तक जाना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पहचानने वाला, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखें उदाहरण में नहीं है लिखा हुआ है। एक माउस है, दूसरा प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माउस तो आपने देखा हुआ, ये बाहर रखा रहता है, तो ये हार्डवेयर ही हुआ। प्रिंटर भी आपने देखा, ये बाहर रखा रहता है, हार्डवेयर ही हुआ। मॉनिटर भी बाहर है, ये हार्डवेयर है, इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कौन सा जो डिवाइस है उसमें आप स्टोरेज नहीं कर सकते, ये पूछा है। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क तो नाम से ही स्पष्ट है ये स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी एक तरह के ड्राइव है ये भी स्टोरेज डिवाइस है,
डीवीडी आपको पता ही है, आप डाटा इसमें ट्रांसफ़र करते थे किसी ज़माने में, जब तक पेन ड्राइव नहीं था तो डीवीडी ही एक माध्यम होता था, डीवीडी या सीडी। तो ये भी एक तरह से डिवाइस है जो स्टोरेज करता है। कीबोर्ड एक तरह से हार्डवेयर है, तो इसको आप, हार्डवेयर तो है ये भी, मगर ये डिवाइस ऐसा नहीं है जिसमें कोई चीज़ को हम स्टोर कर सकें, तो स्टोरेज डिवाइसेस के कैटेगरी में ये नहीं आता। आपके आंसर में डी करेक्ट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 बाइट कितने के बराबर है? ये अभी हमने किया हुआ है, रिपीटेशन एक तरह से इस क्वेश्चन का, लेकिन रिपीटेशन मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है। यहाँ बाइट को केबी में कन्वर्ट करने पूछ रहा है, तो एक टीबी तो हो नहीं सकता, एक जीबी भी नहीं हो सकता, एक एमबी भी नहीं हो सकता, ये होता है एक केबी के बराबर। एक केबी के बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फिर से एक बार क्लासीफाई करने का क्वेश्चन आ गया है। एक्सेल निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, ये पहचानना है। आपकी बार आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहले एक्सेल है, आपको तो पता ही है एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, ड्राइवर, ड्राइवर जो भी होगा वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा, जिस पर ड्राइवर वर्ड लगा है इसका मतलब आप मान के चलें कि वो सॉफ्टवेयर होगा, तो ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर हुआ। कंट्रोल यूनिट इसका हार्डवेयर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं, कंट्रोल यूनिट जो होगा, यूनिट एक तरह से हार्डवेयर होगा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 10-11 क्वेश्चन करीब सॉल्व करने का प्रयास किया, और इनमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। इसकी सीरीज़ में दूसरा एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपको चैनल से संबंधित कोई बात लिखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।